जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा के शब्दों में पूज्य श्री भाई जी की महिमा। सन 1941 की बात है। एक दिन पूज्य बाबा प्रवचन देने जा रहे थे, तब उचित अवसर देखकर श्री भाई जी ने बाबा से कहा, आप तो आए थे किसी और काम के लिए, पर आप लग गए धर्म प्रचार और लोक सुधार के कार्य में। बाबा ने कहा, मैं आपके कथन का आशय नहीं समझ पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जी ने कहा, मैं क्या बताऊं कि मैं आपको किस रूप में देखना चाहता हूं। मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि आपका जीवन श्री कृष्ण अनुरागिनी ब्रजांगनाओं के दिव्य प्रेम का साकार स्वरूप बन जाए। श्री कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण उस दिव्य जीवन का महत्व कुछ अद्भुत ही है। प्रवचन देने से बहुतों को लाभ होगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बहुत होगी, परंतु इस प्रकार की बहिर्मुखता से उस दिव्य जीवन की प्राप्ति में बहुत विलंब हो जाएगा। बाबा ने कहा, आप कहें तो मैं अभी मौन हो जाऊं। भाई जी ने कहा, आज तो आप प्रवचन दे आए, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके बाद आप इस प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएं। श्री भाई जी का इतना संकेत पर्याप्त था। उस दिन बाबा का अंतिम प्रवचन था। बाबा ने बताया कि एक बार रतनगढ़ में था, इसी तरह 2 बजे उठा, देखता हूँ मेरे सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन दिनों 3 साल तक भाई जी को पाइल्स की बहुत तकलीफ रही थी, फिर अंत में अजमेर में चिकित्सा कराने से ठीक हुई। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले कि भाई जी को इतनी तकलीफ हुई, यह तुम्हें भोगनी पड़ती। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। तब श्री कृष्ण बोले, यह तुम्हारा किया हुआ कर्म था जो भाई जी ने अपने ऊपर ले लिया, और फिर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। दिन होने पर मैं भाई जी के पास जाकर उनसे पूछने लगा। पहले तो थोड़ी देर टाल मटोल करते रहे, फिर मैंने थोड़ा जोर से कहा, मुझे उस सूत्र से पता लगा है जो सर्वोपरि है। तब हंसने लगे, बोले, मैं और आप। भाई जी बोले, बाबा, मैं और आप दो थोड़े ही हैं। अभी तो आप मुझे कल्याण का काम करने दीजिए, बाद में किसी दिन बात करेंगे। सन 1956 की शरद पूर्णिमा से बाबा ने काष्ठ मौन लेने का निर्णय किया। मौन लेने के पूर्व अपने अंतिम प्रवचन में बाबा ने कहा, श्री पौद्दार जी महाराज, यदि गुलाब का एक सुंदर पौधा है तो मैं उसकी एक शाखा पर एक छोटा सा गुलाब का फूल हूँ। मुझसे भी अधिक सुंदर, श्रेष्ठ, एक नहीं अनेकानेक पाटल पुष्प खिला देने की क्षमता इस पौधे में है। एक बार पूज्य बाबा ने बताया था कि एक बार रतनगढ़ में मैंने अपने कमरे में देखा कि श्री पौद्दार महाराज कहीं सहज भाव से चले जा रहे थे। उनके इस प्राकृत शरीर की आरती देवांगनाएं कर रही थीं। इसके कुछ दिनों बाद मुझे अनुभव हुआ गोरखपुर की गीता वाटिका में कि जिस कमरे में सबसे पहले राधाष्टमी मनाई गई थी, उसमें श्री पौद्दार महाराज लेटे हुए हैं। वे उन दिनों बीमार थे, उनके पास अनेकानेक देवांगनाएं जा रही हैं और प्रणाम करके वापस आ रही हैं। मैं इस दृश्य को देखता ही रह गया। बाबा ने कहा, श्री भाई जी के शरीर में मुझे चिन्मयता का दर्शन होता है, चिन्मयता का दर्शन होता है। यह बात मैंने किसी के संज्ञान में नहीं लाई थी। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनके महाप्रयाण से कई वर्ष पहले से ही मुझे उनका स्थूल वपु चिन्मय लगता था। मुझे तो बस यही दृष्टिगोचर होता था कि वहाँ एकमात्र प्रियतम श्री कृष्ण हैं। लोगों के देखने में उनकी स्थूल काया भले पांच भौतिक लगती हो, परंतु मुझे उनके पार्थिव शरीर में चिन्मयता का सतत दर्शन होता था। उनके स्थूल कलेवर की श्यामलता के पीछे विराज रहे हैं
मेरे सुंदर श्याम ही, यह मेरे मन की आस्था और अनुभूति है। श्री भाई जी के अद्भुत अद्वितीय लोकोत्तर स्थिति की महिमा का बखान करते हुए बाबा ने अपने भाव भरे उद्गार में कहा है, पहला कि धार्मिक ग्लानि और ह्रास को दूर करने के लिए धर्म प्रचार का जो कार्य आदि शंकराचार्य रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों द्वारा हुआ, जन जन के आचार विचार व्यवहार को नियंत्रित सुसंस्कृत करने के लिए समाज जीवन संबंधी प्रश्नों पर व्यवस्था देने का जो कार्य मनु याज्ञवल्क जैसे स्मृतिकारों द्वारा हुआ, तीसरा हृदय की कोमलता, हृदय की कोमल भक्ति भावनाओं के तरंगित हो उठने पर सरस भक्ति काव्य की रचना का जो कार्य तुलसीदास सूरदास जैसे भक्त कवियों द्वारा हुआ, और चौथा श्री राधा माधव के लीला सिंधु में नित्य निरंतर निमग्न रहने के आदर्श की प्रतिष्ठा का जो कार्य मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु जैसे रसिक जनों द्वारा हुआ, इन चारों काव्य धाराओं के अद्भुत संगम का पावन दर्शन श्री भाई जी श्री पोद्दार महाराज के विशाल व्यक्तित्व में होता है। एक बार रतनगढ़ में श्री भाई जी भागवत की कथा सुना रहे थे। वे कथा के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की और उनके महान परिकरों की बातें भी सुनाते थे। एक दिन कथा के अंत में बाबा ने पूज्य भाई जी से कहा, भाई जी क्या चैतन्य लीला फिर से नहीं हो सकती? प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला बड़ी अनोखी है, आप महाप्रभु की अलौकिक लीला की आवृत्ति फिर से करवाइए। इस पर श्री भाई जी ने तटस्थ की भांति शांत भाव से उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला की आवृत्ति तब हो सकती है जब लीला के लिए उपयुक्त पात्र हों। आप ही बताइए कहाँ हैं अद्वैताचार्य, कहाँ हैं श्री नित्यानंद और कहाँ हैं उनके अन्य महान परिकर? उपयुक्त देश काल और पात्र पाकर ही तो लीला अवतरित होती है। आज वैसा देश काल तो है नहीं और न वैसे पात्र हैं। इस पर बाबा ने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहा, कठिन अवश्य है, परंतु आप चाहें तो श्री चैतन्य लीला की पुनरावृत्ति हो सकती है और उस लीला का दर्शन जीवन में कर सकते हैं। इतना सुनकर श्री भाई जी मुस्कुराए परंतु मौन रह गए। बाबा कहते थे, पूज्य पोद्दार महाराज की सन्निधि मात्र से बहुत ही अलभ्य वस्तुएं मिल जाती हैं। मुझे पूज्य पोद्दार महाराज की सन्निधि मात्र से बहुत ही अलभ्य वस्तुएं मिल जाती हैं। संसार भले ही श्री पोद्दार महाराज को थुल थुल शरीर वाला मारवाड़ी बनिया देखता हो, मेरे लिए तो वे साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। वरम यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वे श्री कृष्ण का गोपनीय से गोपनीय तत्व रहस्य प्रकट करने वाले साक्षात कृपा मूर्ति ही हैं। बाबा कहते थे कि मेरा तो श्री पोद्दार महाराज की कृपा ने ही सब काम बना दिया। कृपा सागर पोद्दार महाराज की कृपा से मुझे अनायास ही महाभाव सागर को गहराई महाभाव सागर की गहराई पर डाल दिया गया। उन्होंने मुझे अपने लक्ष्य पर बिना श्रम के इतनी जल्दी पहुंचा दिया मानो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से यात्रा कराई गई हो। मुझे संत कृपा से ऊंची वस्तु अनायास सुलभ हो गई। मैंने कोई परिश्रम और प्रयास किया ही नहीं जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों